हेलो फ्रेंड नीटिंग डिज़ाइन में ये देखिए प्यारा सा किटी कैट की डिज़ाइन कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन है आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकती हैं ये एक छोटे बच्चे के स्वेटर में आके के पल्ले में मैं डाल रही हूँ और इसी डिज़ाइन को अगर आपको दूसरे पल्ले में आमने सामने बनाना है तो जो मैंने रो वन सीधी तरफ से स्टार्ट किया है उसे आप रो वन बैक साइड स्टार्ट करिए तो दोनों किटी कैट के जो हाथ ये बने हुए हैं वो सामने सामने आ जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के आएगी तो आइए आज के वीडियो में इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं ये किटी कैट की डिज़ाइन हमारी कैसे बनेगी ये देखें इस किटी कैट डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थर्टी वन फंदे लिए हैं जिसमें दो फंदे आगे हमारे एक्स्ट्रा हैं और दो फंदे बाद में एक्स्ट्रा हैं और बीच के ट्वेंटी सेवन में मेरी ये डिज़ाइन बनी है तो रो नंबर वन में शुरू में हमारे पास ये बारह फंदे ब्लैक के हैं सॉरी ये बारह फंदे हम ब्लू कलर से बनाए हैं दो फंदे ब्लैक हैं और फिर हमारा ब्लू कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ये सत्रह फंदे साइड में हमारे ब्लू कलर से हैं तो इस तरह से ये रो नंबर वन है ये देखिए रो नंबर टू है जिसमें यहाँ पे सोलह फंदे हमारे ब्लू हैं एक जो ब्लू है वो अब हमारा ब्लैक कलर हो जाएगा तो एक हम ब्लैक से बनाएंगे अब यहाँ पे हमारा वाइट कलर भी है तो वाइट कलर से एक दो फंदे वाइट एक हमारा ब्लैक और फिर ब्लू कलर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक ग्यारह ये देखिए रो नंबर थ्री है जिसमें शुरू में दस फंदे हमारे ब्लू के हो गए हैं लास्ट वाला जो एक ब्लू फंदा है वो हम ब्लैक कलर से बनाएंगे तो एक हमारा ब्लैक और इसके बाद वाइट कलर एक दो तीन चार पंदे हमारे ये वाइट के एक हमारा ये ब्लैक से ये देखिए एक ब्लैक हो गया है और इसके बाद सारे पंदे हमारे ब्लू कलर से हैं ये देखिए साइड में हमारे पंद्रह फंदे जो ब्लू के थे उनको मैंने ब्लू से किया है अब हम रो नंबर फोर पे हैं तो रो नंबर फोर में हमें सेम कलर ब्लू के ऊपर ब्लू ब्लैक के ऊपर ब्लैक और वाइट के ऊपर वाइट कलर से ही बनाना है ये देखें अब हम रो नंबर फाइव पे आ गए हैं जिसमें मैंने ब्लू के ऊपर ब्लू कलर किया है तो ये दो चार छ आठ दस दस फंदे हमारे ये ब्लू के हैं एक हमारा ब्लैक चार पंदे वाइट एक ब्लैक और फिर यहाँ पे हमारा ब्लू कलर यहाँ तक हमारा सेम था अब यहाँ से हम ब्लू कलर लगाएंगे तो ये एक दो तीन चार पाँच सात, आठ पंदे ये ब्लू के अब यहाँ पे हमारा फिर ब्लैक कलर एक दो हम ब्लैक से करेंगे और इसके बाद के फंदे हमारे ब्लू हैं ये एक दो तीन चार और एक पाँच ये देखिए रो नंबर सिक्स इसमें एक दो तीन पंदे हमारे ब्लू के एक दो हम ब्लैक से करेंगे अब यहाँ पे हमारा वाइट कलर एक दो फंदे वाइट एक और एक दो फंदे ब्लैक फिर हमारा यहाँ पे ब्लू कलर ये दो हो गए तीन चार पाँच छः फंदे ब्लू के एक ब्लैक फिर हम वाइट के ऊपर वाइट से ही बनाएंगे एक दो तीन चार व वाइट एक ब्लैक और फिर साइड में हमारे दस फंदे हैं जिन्हें हम ब्लू से करेंगे ये देखिए रो नंबर सेवन इसमें भी हमारे ब्लू के ऊपर ब्लू से बनाए हैं जो हमारे दस फंदे हैं और ब्लैक को हमें ब्लैक से ही बनाना है ये एक दो तीन चार पाँच ये छ सात आठ नौ और एक दस ये दस फंदे हमारे ब्लैक के हो गए अब हमारा यहाँ पे ब्लू कलर आएगा ये देखिए एक हमने ब्लू से कर लिया और फिर हमारा एक फंदा जो है ये ब्लैक कलर अब यहाँ पे हमारा वाइट आ जाएगा एक दो तीन चार पाँच और एक छः फंदे हमारे वाइट के हो गए एक हम ब्लैक से करेंगे और आखिरी के दो फंदे जो बचे हैं वो ब्लू कलर ये देखिए रोल नंबर एट जिसमें एक दो फंदे हमारे ब्लू एक हमारा ये ब्लैक रहेगा और अब हमारा यहाँ पे वाइट कलर एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात ये सात फंदे वाइट हो गए हैं अब यहाँ पे हमारा एक ब्लैक आएगा एक ब्लैक के बाद अब हमारा रेड कलर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये देखिए यहाँ पे नौ फंदे हमारे रेड के हो गए हैं और इसके बाद हमारा ब्लैक कलर आएगा तो ब्लैक कलर से ये एक दो तीन पंदे ब्लैक और फिर हमारा ब्लू कलर एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ ये देखिए हमारी रो नंबर नाइन आ गई जिसमें यहाँ पे छः फंदे हमारे ब्लू के हैं और ये दो ब्लू फंदों को हमें ब्लैक कलर करना है तो ये एक दो फंदे ब्लैक और अब यहाँ पे हमारा रेड कलर ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये तेरह फंदे हमारे रेड के अब जो ये एक वाइट फंदा हमारा एक ब्लैक हो जाएगा एक ब्लैक के बाद हमारा वाइट कलर सॉरी तो यहाँ पे दो फंदे हमारे ब्लैक के रहेंगे ये दो ब्लैक और इसके बाद हमारा वाइट कलर आएगा एक दो तीन चार पंदे वाइट के एक ब्लैक और साइड के तीन पंदे जो बचे हैं वो हमारे ब्लू कलर से हैं ये देखिए रो नंबर टेन जिसमें ब्लू कलर से एक दो तीन चार पंदे ब्लू एक हमारा ब्लैक एक दो फंदे वाइट एक हम ब्लैक से करेंगे और अब हमारा यहाँ पे रेड कलर ये एक दो तीन चार पांच फंदे रेड के एक दो वाइट रेड से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ दस ये दस बंदे हमारे रटके हो गए हैं एक हमारा ब्लैक और ब्लू कलर से एक दो तीन चार और एक पाँच ये देखिए रो नंबर इलेवन जिसमें मैंने चार बंदे ये ब्लू से किया है एक हमारा ये ब्लैक हो जाएगा और इसके बाद हमारा रेड कलर ये देखिए रेड कलर से मैंने दस बंदे बनाए हैं और ये एक रेड हमारा अब वाइट कलर हो जाएगा एक दो तीन चार बंदे वाइट के फिर रेड कलर एक दो तीन चार पांच रेड और ब्लैक कलर से एक दो फंदे ब्लैक और साइड के पांच फंदे बचे हैं हमारे पास तो इन्हें हम ब्लू कलर से बनाएंगे। तो ये देखिए रो नंबर एलेवन तक मेरी डिज़ाइन इस तरह से बन गई ये देखिए अब हम रो नंबर ट्वेल्व पे आ गए हैं इसमें शुरू के छह फंदे हमारे ब्लू हैं और इस एक ब्लैक को हमें ब्लैक कलर से करना है और रेड कलर से एक दो तीन चार फंदे रेड एक दो तीन चार पाँच छः पंते हमारे वाइट के अब हमारा रेड कलर एक दो तीन चार पाँच छ ये सात आठ हमारे ये रेड के एक ब्लैक एक ब्लैक के बाद हमारा ब्लू कलर एक दो तीन चार और एक पाँच ये देखिए दो नंबर थर्टीन जिसमें छः बंदे ब्लू के हैं दो हमारे ब्लैक हैं अब रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात ये सात बंदे रेड के एक दो तीन चार पांच बंदे वाइट तीन पंदे रेड एक हमारा ब्लैक और साइड में हमारे पास जो हैं सात फंदे हैं जो ब्लू कलर से हैं ये देखिए रो नंबर फोर्टीन जिसमें शुरू के आठ फंदे हमारे ब्लू से हो गए हैं एक हम ब्लैक से करेंगे एक हमारा रेड अब यहाँ पे वाइट कलर एक दो तीन चार पांच फंदे वाइट के एक दो तीन चार पाँच छ सात फंदे रेड के एक हमारा ब्लैक अब यहाँ पे हमारा वाइट कलर आ जाएगा एक दो फंदे वाइट एक ब्लैक और अब यहाँ पे साइड में हमारा ब्लू कलर एक दो तीन चार और एक पाँच ये देखिए रो नंबर फिफ्टीन जिसमें शुरू के चार बंदे हमारे ब्लू से हैं एक हम ब्लैक से करेंगे और अब यहाँ पे हमारा वाइट कलर ये चार बंदे हमारे वाइट से हो गए हैं और अब यहाँ पे हमारा रेड कलर एक दो फंदे रेड और फिर वाइट कलर एक दो तीन चार हमारे वाइट चार और एक सॉरी यहाँ पे हमारा वाइट कलर नहीं होगा ये रेड भी नहीं होगा ये जो हमारा चार फंदे वाइट थे इनके बाद बीच में एक हमारा ब्लैक कलर आएगा और इसके बाद अब हमारा रेड कलर एक दो फंदे रेड एक दो तीन चार फंदे वाइट के एक हमारा रेड और फिर वाइट कलर एक दो तीन चार फंदे वाइट एक हम ब्लैक से करेंगे और साइड के फिर जितने भी फंदे हैं वो हमारे ब्लू कलर रहेंगे ये देखिए रो नंबर सिक्सटीन इसमें शुरू के दस फंदे हमारे ब्लू से हो गए हैं एक हमारा ये ब्लैक एक हम वाइट से करेंगे और यहाँ पे हमारा अब रेड कलर आ जाएगा एक दो फंदे रेड अब फिर वाइट कलर एक दो तीन चार पाँच छः फंदे वाइट के एक हम रेड से करेंगे एक रेड के बाद एक हमारा ब्लैक और फिर हमारा वाइट कलर एक दो तीन चार पांच फंदे हमारे वाइट के हो गए एक हमारा ब्लैक और साइड में तीन फंदे जो बचे हैं वो हम ब्लू कलर से बनाएंगे ये देखिए हमारी रो नंबर सेवेंटीन है जिसमें ब्लू कलर से एक दो तीन फंदे ब्लू हैं एक हमारा ब्लैक है और फिर वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छः फंदे वाइट के अब यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये बारह फंदे ब्लैक के हैं दो हमारे ब्लू से हैं दो हमारे ब्लैक हैं और फिर हमारा ब्लू कलर एक दो तीन चार पाँच तो इस तरह से ये रो नंबर हमारी सेवनटीन बनी है ये देखिए अब हम रो नंबर एटीन पे आ गए हैं जिसमें यहाँ पे हमारे सात फंदे ब्लू के हैं और अब यहाँ ब्लैक कलर एक दो फंदे ये ब्लैक के और दो ब्लैक के बाद हमारा वाइट कलर ये देखिए वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये बारह फंदे हमारे वाइट के हो गए और ब्लैक कलर एक, तो, एक दो तीन फंदे ब्लैक एक दो तीन फंदे वाइट के ये ब्लैक को हम एक ब्लैक ही करेंगे और साइड के हमारे तीन फंदे हैं उन्हें ब्लू कलर से बनाना है ये हमारी रो नंबर नाइनटीन है इसमें एक दो फंदे ब्लू अब हमारा ब्लैक कलर ये एक दो तीन फंदे ब्लैक और एक हमारा वाइट आएगा एक ब्लैक और अब यहाँ से हमारा वाइट कलर ये देखिए यहां पे मैंने व्हाइट से किया है तो ये हमारे सोलह पंदे हैं और ये ब्लैक पंदे को एक हमें ब्लैक कलर से ही बनाना है एक हमारा ये ब्लैक हो गया अब ब्लू कलर एक दो फंदे ब्लू एक हम ब्लैक से करेंगे और ऑफिस साइड में चार फंदे बचे हैं उन्हें ब्लू से करना है ये हमारी रोम नंबर ट्वेंटी है जिसमें ब्लू कलर से एक दो तो, तीन चार पांच फंदे ब्लू के हैं अब यहाँ पे हमारा एक ब्लैक आएगा एक दो फंदे ब्लैक के और फिर वाइट कलर अब यहाँ से हम फंदों को वाइट से ही बनाएंगे ये यह देखें यहाँ पे हमारे नौ फंदे वाइट के हैं और अब हमारा रेड कलर एक दो हम रेड से करेंगे और फिर हमारा वाइट कलर एक दो तीन चार पाँच, और एक सात। ये सात फंदे वाइट के बाद हमारा ब्लैक कलर आएगा एक दो फंदे ब्लैक और इसके बाद हमारा ब्लू और ब्लू कलर से हमारे ये चार फंदे हैं रो नंबर ट्वेंटी वन इसमें ब्लू कलर से दो फंदे हमारे रहेंगे अब यहाँ पे हमारा ब्लैक एक ब्लैक एक हमारा ब्लू फिर एक हम ब्लैक से करेंगे और बीच में वाइट के पहले हमारे जितने फंदे वाइट रेड के पहले जितने भी फंदे हैं उन्हें हम ये सारे फंदे वाइट रहेंगे हमारे जहाँ तक हमारा रेड है वहाँ तक हम इन फंदों को वाइट के ऊपर वाइट कलर से ही बनाएंगे ये देखिए अब हमारा यहाँ रेड कलर आ गया तो रेड के ऊपर दो फंदे रेड और फिर हमारा यहाँ पे वाइट कलर एक दो तीन चार फंदे वाइट के अब यहाँ पे ब्लैक कलर ये देखिए दो फंदे हमारे ब्लैक के हो गए हैं और हमारा वाइट कलर एक दो फंदे वाइट के और फिर हमारा ये ब्लैक कलर एक और एक दो और इसके बाद हमारा ब्लू कलर एक दो तीन चार पाँच और ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी टू जिसमें ब्लू कलर से हमारे पांच फंदे हैं ये लास्ट वाला एक ब्लू हमारा ये ब्लैक कलर हो जाएगा तो एक हम ब्लैक से करेंगे अब हमारा वाइट एक दो तीन चार पंदे वाइट और ये जो ब्लैक है इसे दो ब्लैक ही करेंगे और फिर यहाँ से हमारा वाइट कलर ये देखिए वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये बीच में हमारे तेरह फंदे वाइट के हैं तीन फंदे ब्लैक और तीन फंदे ब्लू हैं ये हमारी रो नंबर ट्वेंटी थ्री है जिसमें शुरू के चार पंदे हमारे ब्लू हैं और अब यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर एक हम ब्लैक से करेंगे और एक ब्लैक के बाद वाइट एक दो और एक तीन तीन पंदे हमारे ये वाइट से हो गए फिर यहाँ पे ब्लैक कलर एक, दो फंदे ब्लैक और फिर यहाँ से हमारा वाइट तो जो फंदे हमारे वाइट हैं उन्हें वाइट से ही अब बनाएंगे ये देखिए वाइट कलर से ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और एक चौदह चौदह फंदे हमारे वाइट के हो गए ये लास्ट वाला एक वाइट फंदा अब हमारा ब्लैक कलर हो जाएगा तो एक दो तीन चार पंदे ब्लैक के और साइड में जो तीन पंदे बचे हैं उन्हें हम ब्लू से करेंगे ये हमारी रो नंबर ट्वेंटी फोर है जिसमें ब्लू कलर से एक दो तीन चार पांच पंदे हमारे ब्लू के हैं एक हम ब्लैक से करेंगे और फिर हमारा वाइट कलर और जितने भी फंदे हमारे वाइट हैं उन्हें हम वाइट कलर से बनाएंगे ये देखिए बीच में व्हाइट के ऊपर वाइट से किया जो हमारे पंद्रह फंदे हैं और ब्लैक के ऊपर हमारे दो फंदे ब्लैक से ही रहेंगे अब हमारा वाइट कलर एक दो हम वाइट से करेंगे एक दो तीन चार फंदे ब्लैक और साइड के दो फंदे हमारे ब्लू ये हमारी रो नंबर ट्वेंटी फाइव है जिसमें एक दो तीन चार फंदे ब्लू से एक हमारा ये ब्लैक कलर और इसके बाद हमारा वाइट कलर आ जाएगा ये जो ब्लैक है ये भी हमारा वाइट हो जाएगा ये देखिए मैंने व्हाइट के ऊपर वाइट कलर से बनाया है जो बीस फंदे हैं ट्वेंटी फंदे एक हमारा ब्लैक है और फिर साइड में हमारे पांच फंदे ब्लू के हैं ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी सिक्स इसमें हमें सेम कलर ब्लू के ऊपर ब्लू ब्लैक के ऊपर ब्लैक और वाइट के ऊपर वाइट कलर से ही बनाना है ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी सेवन जिसमें शुरू के चार फंदे ब्लू हैं इस ब्लैक को हमें एक ब्लैक करना है आप यहाँ पर हमारा एक वाइट एक दो पंदे ब्लैक और फिर हम व्हाइट के ऊपर वाइट से ही बनाएंगे ये वाइट कलर से हमारे ये सोलह फंदे हैं और ये जो लास्ट वाला एक वाइट है अब ये हमारा ब्लैक कलर हो जाएगा और यहाँ से फिर जितने भी पंदे हैं वो सारे हमारे ब्लू से रहेंगे ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी एट जिसमें ब्लू के ऊपर ब्लू से हमने छः फंदे बनाए ब्लैक को ब्लैक से किया और वाइट से यहाँ हमारे तेरह फंदे हैं और लास्ट के ये जो तीन फंदे बचे हैं इन्हें हम ब्लैक से करेंगे एक दो तीन फंदे ब्लैक अब यहाँ पे हमारा रेड कलर आ जाएगा एक दो फंदे रेड एक ब्लैक और इसके बाद के सारे फंदे हमारे ब्लू से हैं ये देखिए हम हम रो नंबर ट्वेंटी नाइन पे आ गए हैं जिसमें शुरू के चार फंदे हमारे ब्लू से हैं एक हमारा ब्लैक और अब यहाँ पे हमारा रेड कलर एक दो तीन बंदे रेड के एक हमारा ये ब्लैक, एक दो रेड एक ब्लैक एक हम व्हाइट से करेंगे एक दो फंदे ब्लैक के और जो फंदे अब हमारे वाइट हैं उन्हें वाइट कलर से ही बनाएंगे ये देखिए इस दो ब्लैक के बाद हमारा वाइट कलर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दस फंदे हमारे वाइट के हो गए एक हमारा ब्लैक और साइड के पांच फंदे जो हैं बचे हैं वो हमने ब्लू से किया ये देखिए रो नंबर थर्टी है जिसमें मैंने ब्लू के ऊपर ब्लू से किया जो पांच फंदे हैं एक हमारा ब्लैक है और वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये नौ फंदे हमने वाइट से किए अब लास्ट वाला एक वाइट हमारा ब्लैक हो जाएगा तो एक हम ब्लैक से करेंगे और यहाँ पे अब हमारा रेड कलर एक दो फंदे रेड एक दो पर ब्लैक एक दो रेड एक हमारा ब्लैक एक दो तीन फंदे रेड के एक ब्लैक और अब हमारा यहाँ पे ब्लू कलर तो एक दो तीन और एक चार ये देखिए रो नंबर थर्टी वन इसमें एक दो तीन चार पाँच फंदे हमारे ब्लू के होंगे जो ये रेड फंदे हैं ये अब हमारे ब्लैक हो जाएंगे तो एक दो तीन चार हमारे ब्लैक से एक दो फंदे रेड एक हमारा ब्लैक एक तो तीन पंदे ये रेड के एक हमारा ब्लैक अब यहाँ पे हमारा वाइट कलर तो जितने भी पंदे वाइट हैं उनको हम वाइट से ही बनाएंगे ये देखिए वाइट के ऊपर वाइट से मैंने किया जो हमारे दस पंदे हैं और एक हमारा ये ब्लैक कलर रहेगा ब्लैक के ऊपर मैंने ब्लैक से किया और हमारा ब्लू के ऊपर ब्लू कलर ही रहेगा और ये हमारे पांच फंदे हैं ये देखिए है, हमारी रो नंबर थर्टी टू है इसमें ब्लू कलर से एक दो तीन चार पांच फंदे ब्लू एक हमारा ब्लैक दो फंदे वाइट के अब हमारा ब्लैक कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फंदे हमारे ये ब्लैक के हो गए एक, तो एक, तो एक दो तीन फंदे हमारे रेड एक दो तीन हमारे ब्लैक एक दो वाइट एक ब्लैक और ब्लू कलर से एक दो तो तीन चार पाँच छ तो इस तरह से हमारी रो नंबर ये थर्टी टू बन गई है ये हमारी रो नंबर थर्टी थ्री है इसमें ब्लू कलर से एक दो तो तीन चार पाँच छः फंदे ब्लू के हैं इस ब्लैक को हमें ब्लैक कलर से बनाना है और अब हमारा यहां पे व्हाइट कलर एक दो तीन चार फंदे हमारे ये वाइट के हो गए इस ब्लैक को हमें एक ब्लैक करना है और अब हमारा रेड कलर एक दो तीन फंदे रेड एक हमारा ये ब्लैक और अब यहाँ पे हमारा ब्लू कलर ये देखिए ब्लू कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात ये सात पंदे हमारे ब्लू से हो गए और अब यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर एक दो हम ब्लैक से करेंगे और इसके बाद के फिर सारे पंदे हमारे ब्लू हैं तो ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी किटी कैट की डिज़ाइन बन करके आ रही है ये देखिए रो नंबर थर्टी फोर जिसमें ब्लू कलर से एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो शुरू के सोलह पंदे हमारे ब्लू से हैं जो ये तीन पंदे रेड हैं इन्हें हम हम ब्लैक कलर से बनाएँगे तो एक दो तीन फंदे ये ब्लैक के हो गए एक हमारा ब्लू एक दो ब्लैक एक दो वाइट एक ब्लैक और इसके बाद के फिर जितने भी फंदे हमारे पास हैं उन्हें हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे ये देखिए रो नंबर थर्टी फाइव जिसमें ब्लू कलर से एक दो तीन चार पाँच छः सात पंदे हमारे ब्लू से हैं जो ये दो वाइट हैं इन्हें अब हम ब्लैक कलर से करेंगे एक और एक दो और फिर यहाँ पे हमारा ब्लू कलर आ जाएगा और यहाँ से लेकर रो के आखिर तक सारे फंदे हमारे ब्लू कलर से ही रहेंगे ये देखिए रो थर्टी फाइव तक मेरी ये किटी कैट की डिज़ाइन कितनी प्यारी खूबसूरत सी बन के आ गई आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे स्वेटर पे जैकेट पे ब्लैंकेट पे कहीं भी बना सकते हैं और ये देखिए मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये डिज़ाइन शेयर करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसके बाद आप इस डिज़ाइन का ग्राफ भी देख सकते हैं